ओके तो हम लोग इस लेसन में मटेरियल रैपर नोड देखेंगे, जो वीरे का मटेरियल रैपर नोड है। ये बहुत ही अच्छा नोड है एक तरीके से, क्योंकि ये काफ़ी मायने में हम लोग को यूज़ देगा। तो उस नोड को देखने से पहले हम लोग पहले एक बार सीन का जायज़ा लेंगे। सो हमारे सीन में एक सिंपल सा स्फीयर है, और उसके बाद एक प्लेन है, प्लेन डिफॉर्मर के साथ, और दो सिंपल लाइट्स और एक डायरेक्शनल लाइट जिसका हमको बाद में यूज़ आएगा। अभी इसकी इंटेंसिटी मैंने 0 कर रखी है। ओके सो मटेरियल रैपर नोड क्या करता है? तो मैंने सिंपल एकदम सिंपल सिंपल मटेरियल है, वीरे के बेसिक मटेरियल्स। अब मैं मटेरियल रैपर नोड ले लूँगा। ओके सो मटेरियल रैपर नोड में आप जैसे कि देख सकते हैं, ये हमारे शेडर नोड है, स्पेसिफिक सिंपल सा रैम्प लगा है, रैम्प सैम्पलर इन्फो के साथ है, जो फ्रेजनल रिफ्लेक्शन दे रहा है इसको, और फ्रेजनल के कलर्स हैं ग्रीन और ये और पैरेट ग्रीन सिंपल सा। मटेरियल रैपर नोड को मैं इधर ले आऊँगा, और अपने यहाँ पे जितने भी अनयूज नोड्स हैं उनको डिलीट कर दूंगा। पर मटेरियल रैपर या फिर कोई भी नोड वीरे का सही से काम करने के लिए आपको सबसे ज़रूरी है कि आप अपने नॉर्मल्स को चेक कर लें कि आपके नॉर्मल सही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं। इस ऑब्जेक्ट के हम नॉर्मल्स देखेंगे। इस ऑब्जेक्ट के नॉर्मल्स हमारे वर्टिक नॉर्मल, ये बाहर को पॉइंट कर रहे हैं जो कि हमको आगे दिक्कत देगा। तो इससे बेहतर है कि इसको अभी हम लोग सही कर लें, पॉलीगंस वर्टिक्स नॉर्मल्स। आप इसको मैंने अनहाइड कर दिया, और वर्टेक्स कन्फर्म रिवर्स या फिर सेट टू फेस, या आप तीन तरीके कर सकते हैं, या फिर सिंपल आप जाके रिवर्स ही कर सकते हैं तो आपके नॉर्मल्स रिवर्स हो जाएंगे। ओके अब हम लोग फिर से नॉर्मल्स देखेंगे, पॉलीगंस वर्टेक्स नॉर्मल्स। अब सारे नॉर्मल्स हमारे सही डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको अगर आपको जैसा चाह रहे हैं रिजल्ट वैसा ना आए, तो इसको एक बार ज़रूर देखिएगा कि नॉर्मल्स आपके सही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं। ओके सो मटेरियल रैपर नोड, मटेरियल रैपर नोड एक इसमें हमको बेस मटेरियल अपना प्लग करना पड़ता है। तो अभी मैं इन दोनों नोड्स को अपने नीचे कर लूँगा। ओके ये मेरा मटेरियल इसको करस्पॉन्ड करता है, और ये ऑरेंज वाला मटेरियल ऑरेंज क्यूब को स्फीयर को। सो पहले मैं वीरियम ये वाला मटेरियल ऑरेंज वाला मटेरियल जो बाहर का है इसको इस पर डाल दूंगा, और अपना ग्लोबल इल्यूमिनेशन सेटिंग्स देख लेंगे। ग्लोबल इल्यूमिनेशन मेरा सिंपल ऑन है, और मेरा इमेज सैम्पलर टाइप फिक्स रेट है, जो कि 1 सैम्पल रेट सब डिविजन पर रेंडर कर रहा है, ताकि हमारे रेंडर्स तेज़ी से हो सकें और हम लोग काफ़ी सारा अपना टाइम बचा सकें, क्योंकि हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर इसको ले रहे हैं। सो अभी मैं रेंडर करूँगा, तो आपको अभी इसमें कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। मोनोक्रोमेटिक ऑफ जैसा आना चाहिए बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही आ रहा है। मेरे स्फीयर पर रिफ्लेक्शन लगा हुआ है, और कुछ ग्लोबल इल्यूमिनेशन की ग्लोबल इल्यूमिनेशन का असर हो रहा है इसमें। आप देख सकते हैं ये ऑरेंज ऑरेंज सा ऑरेंज दिख रहा है। इसको रेंडर जाने दीजिए प्रॉपरली। ओके ये ऑरेंजनेस आप देख सकते हैं। अब अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई जैसे आपने रूम बना रहे हैं अपना, इंटीरियर लाइटिंग कर रहे हैं, और ज़मीन पे उसके फ्लोर फ्लोर है, या फिर आसपास उसके कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्ड है सीन के अंदर, तो ग्लोबल इल्यूमिनेशन जिस तरीके से काम करता है कि जो भी आसपास के सैम्पल एरियाज होंगे उनमें जितने भी कलर्स होंगे वो सब आपके उठा के ग्लोबल इल्यूमिनेशन आपके सीन में वो कलर्स इधर उधर स्प्रेड कर जाएगा फॉर इवन लाइटिंग। सो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है, पर हम नहीं चाहते कि ये ऑरेंज कलर का चीज़ हमको यहाँ पे दिखे। तो उसको हटाने के लिए हम यहाँ पे जनरेट GI ऑप्शन है, हमने पहले ही प्लग कर रखा है। पहले इसको हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मटेरियल, अभी ये इस पर अप्लाई है। तो हम ये वाला मटेरियल जो हमारा नया मटेरियल है, मटेरियल रैपर, तो वो हम इस पर अप्लाई कर देंगे। तो ऐड मटेरियल टू सेलेक्शन, अब ये मटेरियल अप्लाई है, हम इसमें जनरेट GI ऑफ कर देंगे। तो जब जनरेट GI हमारा ऑफ है, तो जब रेंडर करेंगे तो आप देखेंगे पूरा ग्लोबल इल्यूमिनेशन की जितनी भी इस पे लाइट रिफ्लेक्ट करके आ रही थी वो सब अब गायब हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं जितनी भी यहाँ पे ऑरेंज कलर का लाइट स्पिल था वो सब गायब हो गया। अब इस जनरेट GI को ऑन कर देंगे। अब रिसीव GI को का एग्जाम्पल देखने के लिए, हाँ पहले मैं इसके बेस मिश में बेस मटेरियल में ये वाला मेश डाल दूंगा, और इसको सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट ऑप्टिक मटेरियल, एंड फिर इस पर ये अप्लाई कर देंगे, अप्लाई मटेरियल टू सिलेक्शन। ओके अब वापस इसको रेंडर करेंगे तो जैसा सीन हमारा नॉर्मल था वैसा सीन वापस आ जाएगा।
जैसा ये रिसीव जी आई स्टेट करता है, अगर हम इसको अनचेक कर देंगे तो अब इस ऑब्जेक्ट पे ये ग्रीन ग्रीन कलर का ये अब ग्लोबल इनिमेशन नहीं रिसीव करेगा। सॉरी एक मिनट। अब आप देख सकते हैं कि सीन में ग्लोबल इलिमिनेशन मटेरियल रैपर में ऑन भी है, फिर भी ये ऑब्जेक्ट अब ग्लोबल इलिमिनेशन आपका नहीं रिसीव कर रहा है। उसके बाद ये मल्टीप्लायर है सिंपल, अगर हम इसको कम कर देंगे ऑन करके तो जितना ग्लोबल इलिमिनेशन का अमाउंट इसको रिसीव करना चाहिए उसको कम रिसीव करेगा। सिंपल जैसा मल्टीप्लायर का काम होता है ये एग्जैक्टली वही चीज़ करेगा। वापस हमारा सीन नॉर्मल पे आ गया। थोड़ा रेंडर और तेज़ हो तो मैं पर्टिकुलर पोर्शन को सिलेक्ट कर लूँगा और रिसीव जी आई मल्टीप्लायर को कम कर दूँगा। तो आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं इस दोनों एरिया में। ये कम जी आई को रिसीव कर रहा है ऑरेंज फिल को, और ये ज़्यादा रिसीव कर रहा है जो हमारा पुराना रेंडर था। उसके बाद ओके, तो अब हम लोग मैट सरफेस प्रॉपर्टी देखेंगे। अगर ये मैट सरफेस प्रॉपर्टी को मैं चेक कर देता हूँ और जो हमारा अभी ये प्राइमरी ये जो पीछे का स्फीयर है इसकी प्राइमिजिबिलिटी को मैं ऑफ कर देता हूँ। मैट का मतलब सिंपल जो होता है कि आपका ऑब्जेक्ट वो मैट हो जाएगा और जहाँ पे वो चीज़ है वो चीज़ गायब हो जाएगी और आपको पीछे की चीज़ दिखाने लगेगा। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट पे ये मैट सरफेस प्रॉपर्टी चेक कर दी, तो अब वही चीज़ एकदम होनी चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वो चीज़ हो भी रही है कि जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी थी जो वहाँ पे करेंट ऑब्जेक्ट था वो चीज़ गायब हो गई है, जबकि इसकी प्राइम विजिबिलिटी अभी ऑन है। इसको तो गायब होना ही है क्योंकि इसकी प्राइम विजिबिलिटी ऑफ है, पर ये भी ऑब्जेक्ट गायब हो गया जबकि इसकी प्राइम विजिबिलिटी ऑफ है। तो क्या इसका अल्फ़ा भी ऐसा ही है? नहीं, इसका अल्फ़ा भी ऐसा नहीं है क्योंकि क्योंकि अभी क्या कहते हैं हमको एक छोटा सा स्लाइडर एडजस्ट करना है, उसके बाद इसका अल्फा प्रॉपर हो जाएगा। पर करेंटली ये अभी हमारे इमेज किसी काम की नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको पीछे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ओवरले करेंगे या फिर रखेंगे इसको ऑब्जेक्ट को तो वो पीछे बैकग्राउंड उसका ब्लैक कलर का रहेगा, तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो अल्फा कॉन्ट्रीब्यूशन को जब आप ज़ीरो कर देंगे और फिर रेंडर करेंगे अब आप देख सकते हैं कि इमेज तो वैसे ही एकदम है बिना किसी डिफरेंस के रेंडर हो रही है। पर अब जब हम इसका अल्फ़ा मैप देखेंगे अल्फ़ा चैनल, तो अब हमें इसमें का प्योर परफेक्ट अल्फ़ा मिल जाएगा। तो इसको जब आपको अगर कहते हैं पीछे अपने ऑब्जेक्ट में मैट चाहिए तो आप इसका अल्फ़ा कंट्रीब्यूशन ज़ीरो कर देंगे। उसके बाद अब शेडो के पैरामीटर के लिए चेक करने के लिए अब मैंने जो डायरेक्शनल लाइट यहाँ पर एडजस्ट की थी मैं डायरेक्शनल लाइट को ऑन कर दूंगा, उसका इंटेंसिटी 1 कर दूंगा, 10 कर देते हैं हम इस केस में एक्सट्रीम एग्जाम्पल के लिए ताकि एकदम प्रॉपरली विजिबल हो जाए। मटीरियल ट्रैफिक नोड क्लिक मैट सरफेस। अभी आप देख सकते हैं अगर मैं इसका मैट सरफेस ऑफ कर दूं, अब मैं रेंडर करूंगा तो इसके आप शेडोज देख सकेंगे आराम से। ओके, अभी अभी शेडोज नहीं देख सकते क्योंकि अभी अच्छा रेंडर होने दें, उसके बाद मैं बात करता हूँ। तो ये सीन अब रेंडर हो गया, तो आप देख सकते हैं कि हमारी इस पे क्या कहते हैं इंटेंसिटी 10 है, फिर भी यहाँ पे इसका कोई फ़र्क नहीं दिख रहा। वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा ये स्फीयर जो है हमारे सीन को कवर कर रहा है और स्फीयर की कास्ट शैडो और रिसीव शैडो ऑन है। तो जब हम इसको अनचेक कर देंगे, अब अगर हम सीन को रेंडर करेंगे तो आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन लाइट की वजह से पूरा ये सीन ब्लो आउट कर गया। तो इधर रेंडर को दे दें, आपको आइडिया लग गया होगा कि आप रिजल्ट कैसा आने वाला है। आप देख सकते हैं पूरा सीन ये ब्लो आउट हो गया। तो हम लोग इसको थोड़ा नॉर्मल करेंगे, इसकी इंटेंसिटी को 1 कर लेंगे और रेंडर करेंगे।
तो ये सीन थोड़ा सा सही आएगा, पर मैं इसका इमेज डिफ्यूज ऑफ कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी लाइट से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ शार्प अवेलेबल करना है। और मैं इस पर डेप्थ मैप शैडो यूज़ कर रहा हूँ, ना कि रे ट्रेस शैडो, क्योंकि अगर मैं रे ट्रेस शैडो ऑन करूँगा तो वो सिर्फ मेटल रे सपोर्ट करता है, और हम लोग अभी वीरे के रेंडर इंजन में, तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, आपको एरर देगा। तो बेहतर ये है कि आप रे ट्रेस शैडो ऑन रखें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इसके शैडो आ रही है, पर हम चाह रहे हैं कि हमारा जब वो मैट ऑब्जेक्ट हो तो ये सिर्फ ये स्फीयर है और उसकी शैडो है, ताकि हम उसको कंपोज कर सकें अच्छे से। तो मैं मैट सरफेस ऑन कर दूंगा और शैडोज़ और इफेक्ट अल्फ़ा ऑन कर दूंगा। शैडोज़ का मतलब शैडोज़ को वो दिखाएं और इफेक्ट अल्फ़ा कि वो अल्फ़ा में भी इफेक्ट करें। तो मैं रेंडर कर दूंगा। अब मैंने सीन रेंडर कर दिया, तो आप देख रहे हैं ये पीछे रेड रेड सा कुछ आ रहा है, और हमारा जो अल्फा मैप है वो भी अभी ऐसे ही है। तो हम चाह रहे हैं कि ये रेड रेड सी पीछे चीज़ ना आए, क्योंकि ये ग्लोबल इल्यूमिनेशन का रिफ्लेक्शन आ रहा है और अल्फा मैप हमारे शेडो के साथ आया। तो ये जो रेड रेड सी चीज़ को, इसको हटाने के लिए आप ग्लोबल इल्यूमिनेशन कॉन्ट्रीब्यूशन ज़ीरो कर दीजिए, रिफ्लेक्शन रिफ्लैक्शन कॉन्ट्रीब्यूशन की कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिफ्लेक्शन को भी ज़ीरो कर दीजिए, शेडो ब्राइटनेस कितना ब्राइट शेडो रहेगा और शेडो टेंट किस कलर का शेडो रहेगा। तो अभी मैंने जी आई जो मेन है पैरामीटर है उसको ज़ीरो कर दिया। अब मैं अगर इसको स्क्रीन को रेंडर करूँगा, तो आप देख सकते हैं वो जो रेड रेड सा पीछे चीज़ आ रही थी वो प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई। तो क्या अभी मैट शेडो भी हमको मिल गया वापस? नहीं, शैडो अभी हमको नहीं मिला है। तो अभी अभी हमारी प्रॉब्लम जैसी थी वैसी ही बरकरार है। तो शैडो का अल्फ़ा मैप चाहिए पाने के लिए हम लोग अल्फा कंट्रीब्यूशन को -1 कर देंगे, और जब अब सीन को रेंडर करेंगे ये 8 GB चैनल है हमारा। और बाय द वे ये जो 4 बार रेंडर हो रहा है 1 2 3 4, ये पासिस कंट्रीब्यूशन कर रहा है, जो कि क्या कहते हैं हमारे ग्लोबल इल्यूमिनेशन के पासिस हैं, तो वो 4 टाइम पास को कंट्रीब्यूट करता है। और अब आप देख सकते हैं कि हमारी शैडो एकदम प्रॉपर इंटैक्ट शैडो हमारे पास आ गई है, जबकि ये हमारा अल्फा मैप है। तो ये आप अपने कंपोजिटिंग में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट लेसन में हम लोग वीरे का बम मैप नोट देखेंगे। सो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, ठीक है, बाय।